नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदेव और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइंस, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उस हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी की ही बातें करेंगे, उस परम शक्ति तक पहुंचने की, उस परमात्मा तक पहुंचने की। और हम यहां पर किसी और मज़ेदार कहानियां या कोई किस्से कहानी यहां पर नहीं सुनाते हैं। अगर आपको यहां पर सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी मिलेगी यहां पर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो है पॉडकास्ट का, वो है अवेयरनेस का। अवेयरनेस क्या है और उसे कैसे बढ़ाया जा सके, इस विषय के ऊपर ही हम बात करेंगे। विषय पे बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सब अवेयर हैं? क्या आप सब जागरूक हैं? इसके लिए एक छोटा सा प्रश्न, क्या आपने अभी 20 मिनट पहले क्या किया था, आप मुझे बता सकते हैं? वर्ड बाय वर्ड बताना है, फ्रेम बाय फ्रेम बताना है। जो व्यक्ति तो अपना 20 मिनट पहले का याद करके बता सकते हैं कि मैंने 20 मिनट पहले क्या किया था, उन लोगों की अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो मेरी तरह हैं, जो अभी तक अपना 20 मिनट पहले का ही बता नहीं पा रहे हैं कि हमने 20 मिनट पहले क्या किया था, उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी चेतना की कमी है। वहीं दूसरी तरफ सपोज कीजिए, आपके घर में कोई चोर आ जाता है या आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए चाकू लेकर आपकी छाती के ऊपर सवार हो जाता है। अब बताइए, अब आप उस समय आपके अंदर कोई विचार आ रहा है, उस समय कोई आहट भी होती है, तो आपका ध्यान उस चोर की तरफ, उसे भगाने में उसकी आहट की तरफ चला जाता है। हमें रहता है कि इस चोर को कैसे भगाया जाए या उसके वार से कैसे बचा जाए। उस समय आपकी चेतना सुकड़कर उस चोर की आहट की तरफ चली जाती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम सभी सोए सोए सभी काम करते हैं, हमें लगता है कि हम सभी जाग कर काम कर रहे हैं, खाना खाना, कार चलाना या पैदल जाना या कोई भी ऐसा काम हम करते हैं तो हम बिल्कुल सोए हुए करते हैं, यानी कि मशीन के जैसे करते हैं, यानी कि यंत्रवत होकर हम वो काम करते हैं, जबकि हमें वो काम फुल अवेयरनेस के ज़रिए करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और साथ में टीवी लगा लेते हैं। अगर टीवी नहीं है तो हम अपना ध्यान फ़ोन की तरफ लगा लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आप खाना तो अपने मुंह में डाल रहे हैं यंत्रवत, पर आपका ध्यान जो है वो है मोबाइल की तरफ। तो अब आप ना तो मोबाइल की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं पूरा, और ना ही आप अपने खाने की तरफ ध्यान दे रहा है। अवेयरनेस का कितना महत्व है और अवेयरनेस के ज़रिए आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके ज़रिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगी। एक राजा था, उसने अपने बेटे को एक गुरु के पास भेजा शिक्षा लेने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। वह राजकुमार उस गुरु के पास गया और गुरु ने उससे बोला कि मुझसे मत पूछना कि तुम्हारा पाठ कब शुरू होगा, कब तुम्हारी शिक्षा शुरू की जाएगी, बस अपनी वारी का इंतज़ार करना। तो हुआ क्या कि हफ्ता बीत गया, वो आराम से खाता पीता सोता, जैसे वो अपने राजमहल में रहता था, अब वैसे ही वो करने वहाँ पर आराम से बैठने लग गया। उसे थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये इस गुरु को कुछ आता भी है कि या सिर्फ ये मेरे बाप से पैसे लेकर बस मुझे ऐसी शिक्षा देके चला जाएगा। वो बंदा अभी सोच ही रहा था तो पीछे से उसका गुरु ज़ोर से एक डंडा लेकर आता और उसके ज़ोर से सिर पर मारता है। राजकुमार घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, वो संभलता है, उसके थोड़ी सी चोट भी आती है, अपने सिर को पकड़ के वो अपने गुरु से चिल्लाकर बोलता है, गुरुदेव ये क्या किया आपने? तो उसका गुरु बोलता है कि पाठ शुरू हो चुका है, शिक्षा आपकी शुरू हो चुकी है। राजकुमार बोलता है ये कैसी शिक्षा है, आप मुझे मार रहे हैं? वो बोलता है ये मार तुम्हें अब दिन में कभी भी पड़ सकती है। राजकुमार बड़ा घबराया, अब वो खाना खाता तब उसे मार पड़ती,
वह कहीं घूमने बाहर जाता तब उसको पीछे से हमला हो जाता। वो परेशान हो गया कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहीं भी जाता हूं कुछ भी करता हूं तो वो गुरु जो है मेरा वो मुझे डंडे से मारने लग जाता है, पीछे से आता है और मुझ पर वार कर देता है। एक हफ्ता बीता, वो बहुत ही लहूलुहान और घायल हो चुका था, पर उसके अंदर की चेतना कुछ बढ़ चुकी थी। अब धीरे धीरे वो अपने गुरु के वार को रोकने लग गया। अब उसे पता चल जाता कि किस वक्त गुरु आता है, जैसे ही वो पीछे से आता वो हाथ पकड़कर उसके वार को रोक लेता। उसका गुरु बोलता है, पहला पाठ समाप्त हुआ, तुम्हारी दिन की चेतना अब बढ़ चुकी है, वो पूरी तरीके से प्रगाढ़ हो चुकी है। राजकुमार बोलता, धन्यवाद, शुक्र है कि पाठ खत्म हुआ। अब गुरु बोलता है, अब सिर्फ दिन में नहीं, अब रात को सोते हुए भी हमले हो सकते हैं। अब तो राजकुमार घबराया, यार दिन में तो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, आहट से पता चल जाता है, रात को सोते हुए कैसे पता चलेगा। गुरु बोलता है, मुझे नहीं पता, ये अब चिंता तुम्हारी है, अब तुम्हें मेरे वार से कैसे बचना है। अब वह सोने जाता, वो गहरी नींद में होता तो उसका गुरु आकर जोर से उसके डंडे से उसके ऊपर वार करता। वो परेशान होकर बैठ जाता, अब क्या किया जाए, अब इससे कैसे बचा जाए। अब उसने आंखें अपने भीतर गड़ा ली, उसने अपनी चेतना सिकोड़ कर अपनी तरफ रख ली। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस उस चेतना के अंदर वो चला गया। अब उसे पता होने लगा कि कब गुरु आता और कब उसके ऊपर वार करता। अब नींद में भी जैसे ही गुरु वार करता तो वो उसके वार को भी रोक लेता। अब नींद में भी उसके वार रोकने लगे, अब दिन में भी उसके वार को रोकने लगा। उसका गुरु बोलता, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी होती है, अब तुम जा सकते हो। तो एक दिन जाने से पहले वो पेड़ के नीचे बैठा था, ध्यान कर रहा था। उसके ध्यान में उसको एक विचार आता है, यार इस गुरु ने मुझे बड़ा मारा है, इसने बहुत परेशान किया है मुझे, अब मुझे भी इसका बदला लेना है। क्यों ना इस बूढ़े को इसकी चेक करें, इसकी अवेयरनेस बढ़ी भी है कि या फिर ये सिर्फ बातों से ही अवेयरनेस बढ़ाता है। वो अभी सोच ही रहा था तभी उसको गुरुदेव को उसको एक जोर से आवाज आती है, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम अगर मुझे अभी मारोगे तो मेरा शरीर इसे झेल ना पाएगा। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास जाता है। गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं ये विचार कर रहा हूँ। तो उसका गुरु बोलता है, दो चेतनाएं तुमने बढ़ा ली पर अभी मन की चेतना बढ़ानी जरूरी थी। मन के अंदर भी एक ऐसी तरंगे होती हैं, जब आप कुछ सोचते हैं तो वो वाइब्रेशंस भी आपके मन से निकलती हैं, आपके दिमाग से निकलती हैं, तब वो वाइब्रेशंस को भी आपको पकड़ना है। जब आप उन वाइब्रेशंस को भी पकड़ लेते हैं तब आपके अंदर अवेयरनेस का पूरे तरीके से विकास हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा अवेयरनेस बढ़ाने से आपके अंदर क्या हो सकता है, आपको कैसी कैसी शक्तियां मिल सकती हैं अवेयरनेस को बढ़ाने की। अब बात करते हैं कि आप उस अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी चेतना भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आप सुबह सोकर उठते हैं तब उठकर अपनी आंखें बंद करके एक मिनट के लिए बैठ जाइए, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस किस नाक से जा रही है, दाएं से कि बाएं से। अब आपको सांसों के प्रति पूरा ध्यान देना है, अपने तापमान चेक करिए, जो सांस आप जो हवा आपके नासापुटों पर पहुंच रही है वह गर्म है कि ठंडी है, आपकी सांस कहां तक नीचे तक जा रही है कि सिर्फ छाती तक पहुंच रही है। अपनी सिर्फ सांस की तरफ, अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। एक मिनट के बाद आप बेड से उतर रहे हैं तब आप ध्यान दीजिए आपका कौन सा पैर नीचे उतर रहा है, आप चप्पल पहन रहे हैं या स्लीपर पहन रहे हैं,
तब स्लीपर के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। स्लीपर का तापमान ठंडा है, चप्पल का तापमान ठंडा है कि गर्म है, वह कठोर है कि वह नरम है। उठकर अपने बाथरूम की तरफ जाइए, अपना जो भी क्रियाकलाप करते हैं वहाँ पर उसको ध्यान से दीजिए। देखिए आपके शरीर में कैसी हलचल हो रही है। अब आप स्नान करने जा रहे हैं, कपड़े उतारते हुए पूरी अवेयर हों। पानी की एक बूंद भी आपके शरीर के ऊपर गिरे तब भी आप पूरे अवेयर हों, पानी किस किस शरीर के आपके किस किस हिस्से की तरफ जा रहा है, उसका तापमान कैसा है, ठंडा है गर्म है। आपके बाथरूम में शीशा है, साबुन है, साबुन भी आप लगा रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, तब भी उसका तापमान चेक कीजिए कि वो उसका तापमान कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। फिर नहाकर आते हुए जब आप आखिरी कप डालते हैं अपने शरीर के ऊपर, तब आंखें बंद कर खड़े हो जाइए और ध्यान दीजिए कि पानी की कौन सी बूंद किस किस हिस्से की तरफ कहां कहां जा रही है। ये हो गया दूसरा हिस्सा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है खाने का। जब आप खाते हैं तो पूरे अवेयर होकर खाइए, टीवी बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ अपने खाने की तरफ ध्यान दीजिए। आपका खाना कौन सा है, रोटी गोल बनी है, उसके ऊपर कितनी जली हुई है, कितने उसके ऊपर निशान बने हुए हैं, आपकी सब्जी का रंग कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसकी रंगत कैसी है, उस सभी के ऊपर ध्यान दीजिए। एक निवाला तोड़िए और हाथ को पहचानिए कि हाथ निवाला तोड़ रहा है। हाथ को अपने मुंह की तरफ लेके जाइए और निवाले को अपने मुंह के अंदर पहुंचाइए। तब अपने मुंह का भी चेक कीजिए, जो खाना आपने अपने मुंह के अंदर डाला है वह कैसा है, वह गर्म है, ठंडा है, उसका स्वाद कैसा है, वह आपके गले के भीतर उतर रहा है, गले के किस हिस्से तक वह गया और उसके बाद आपको किस हिस्से तक उसका पता नहीं चलता, आपने का निवाला कहाँ गया। आप दफ्तर या दुकान में जाते हैं, सड़क के रास्ते आप जाते हैं तो कार की तरफ या पैदल जाते हैं, तब भी आप ध्यान दीजिए। गाड़ी का आप गियर भी बदल रहे हैं तब भी ध्यान दीजिए आपका हाथ गाड़ी के किस तरफ जा रहा है। गाड़ी के रास्ते के ऊपर ध्यान दीजिए, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उसकी आवाज़ कैसी है, गाड़ी आवाज़ कैसे कर रही है। आप ऑफिस में पहुँच जाते हैं या आप अपनी दुकान में पहुँच जाते हैं तब भी आप अपना ध्यान रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उसकी आहट को पहचानिए, उसके बोलने के लहजे को पहचानिए, वो नरम है, रुबाबदार है या गुस्से से है। अपने शरीर की तरफ पूरे ध्यान दीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल का काम, कोई लिखाई पढ़ाई का काम, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब उस समय पूरा ध्यान उस कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपनी कैलकुलेशन, अपने अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे तब कुछ ही महीनों में आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो जिसके अंदर उस अवेयरनेस की क्वालिटी और डिग्री बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाएगी। तब ऐसे मौकों के ऊपर जब आप पूरे चेतना में होते हैं, तब आप ध्यान में अगर बैठेंगे तब आपका ध्यान पूरा प्रगाढ़ होगा, आपका ध्यान आपके बीच में होगा, कोई विचार आपको तंग नहीं करेंगे और यकीनन आपके अंदर वो प्रकाश फैलेगा उस परम शक्ति का, उस परमात्मा का। वो सिंहासन आपने खाली कर दिया उस प्रभु के लिए, अब उस सिंहासन के ऊपर परमात्मा आकर बैठेगा और प्रभु आके बैठेंगे और अवेयरनेस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि परमात्मा भी आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसकी बातें कैसे लगी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उस हम और आप मिलकर उस परम शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।